ये नई उम्र के जो आईएएस आते हैं सेलेक्ट होके, ये बहुत जल्दी में क्यों होते हैं कि 150 करोड़ रुपया सीधे आ जाए 2-4-5 साल की सर्विस में ही? लंबी पारी खेलने का टाइम होता है इनके पास। अब ये निधि केसरवानी, ये रिटायरमेंट में जा रही थी क्या? नहीं ना, लेकिन इनको एक ही दिन में सब चाहिए था, बोले प्राइवेट जहाज ही खरीद लें। क्या ये लोग मन बना के आते हैं कि भाई नहीं, जिस दिन से चार्ज लेना है उसी दिन से बैटिंग शुरू कर देनी है, झमा झम झमा झम, दे सिक्सर दे सिक्सर। पहले एक ट्रेंड हम लोग देखते थे कि जब आदमी रिटायरमेंट की ओर जाता था तो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता था कि चलो भाई अब 2-4 साल बच्चे कुछ कमा खा कर रख लें बच्चों के लिए। अब मैं देख रहा हूं नए नए लोग आते ही बैटिंग शुरू। एक कलेक्टर खनन के मामले में योगी जी ने वो किया, बताइए कलेक्टर होके खनन करा रहा नौजवान अंसारी साहब, ये क्या मसला है? जी, दो चीजें तब्दील हुई है वक्त के साथ जी। एक तो ये कि ये 1985-86 जब से लिबरलाइजेशन शुरू हो गया था इकोनॉमी में जी, तो उससे पहले थोड़ा कमजोर थी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की, तो पैसे की वैल्यू कम थी और उसकी जो मॉरल इम्प्लीकेशन थे वो लोग सारा सारा जिंदगी में गुजारने पे वक्त निकाल लेते थे। लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से रेगुलेशन कम हुआ है, यानी सरकार का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, रेगुलेटरी पावर है, वो कम इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इस कोशिश में ये खराबी आई है कि बहुत सी चीजें जो पहले बहुत स्क्रूटनाइज होती थी वो अब कम होने लगी, ताकि फैसिलिटेट हो जाए, ताकि जल्दी से लैंड उकार हो जाए, जल्दी से सड़क बन जाए, जल्दी से इंस्टीट्यूशन बन जाए। दूसरी बात यह हुई है कि ये कहना गलत है कि आज की जनरेशन जब शुरू की वो ज्यादा लालची है। मेरा तो एक्सपोजर ये है कि 1970 बैच का अफसर हूँ और मेरे ही बैच के एक दो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग के जमाने में ही उनके बारे में हमने खबरें सुनी थी कि वो बंदूक का लाइसेंस देते तो पैसे लेते। इट केम एज अ शॉक टू अस एट दैट टाइम कि ऐसे भी हमारे साथ के लोग हैं। ये कहना गलत होगा कि कोई जनरेशन की वजह से फर्क पड़ गया। मुझे लगता है कि जो लोग बेईमान है, चाहे वो बूढ़े हो या नौजवान हो, वो बेईमान रहेंगे, और जो लोग ईमानदार है, चाहे वो बूढ़े हो या नौजवान, वो अपने आप को संभाल के चलते हैं। लेकिन लोग संभाल के चले इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रोल होता है, उनको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं हो कि अब मौजूदा सरकार मतलब बीजेपी के, अभी सारे जो किस्से सुना रहे हैं अभी तक बीजेपी के समर्थक जो सज्जन बैठे हैं वो ये सुना रहे थे हमें ये कर दिया वो कर दिया। एक्चुअली इनसे ये पूछिए कि 5 साल हो गए योगी जी की सरकार को, इनके जमाने में कौन सा बड़ा केस जो इनकी सरकार में हुआ इन्होंने अनर्थ किया? कोई भी केस, तो ये खामोश हो जाएंगे। हर सरकार ये कोशिश करती कि पिछली सरकार की जो खामियां हैं उस पर नजर डाल दो और उसका बतंगड़ बनाओ। नतीजा ये होता है कि हर काम जो 5 साल में हो जाना चाहिए वो अगले 5 साल के लिए टल जाता है, क्योंकि यूपी में पिछले कई सालों से 30-35 साल से हर 5-5 साल में गवर्नमेंट बदलती थी। तो होता ये था कि अगर अजमेर जी की सरकार है तो मायावती जी की इंक्वायरी कर रही, मायावती जी की कर रहे हैं, अगर मायावती जी की सरकार है तो वो उससे पिछली सरकार की। ये ट्रेंड पॉलिटिशियंस को बदलनी चाहिए कि भाई किसी भी सरकार का हो, उनके अपने जमाने में भी अगर घपला हुआ है तो उसमें हम कड़ी नजर रखेंगे। ये बात बहुत अच्छी कहनी संसारी साहब ने, पिछले वाले की जांच का जनादेश ही नहीं मिलता, अपने की जांच भी हो इसका भी जनादेश होता है। आलोक पांडे जी, एक सरकार रही यूपी में, उसने एक इनोवेशन किया, चंद्रशेखर पांडे ने भी सुना होगा, अनिल अंसारी साहब के भी मित्रों ने बताया होगा, इनके जूनियर सब लोग रही थे तब तो नौकरी में, सब राघवेंद्र सिंह को भी पता होगा, उनके यहाँ ये व्यवस्था हो गई। उस वक्त ये ग्रेटर नोएडा बस रहा था है, इसमें अलॉटमेंट हो रहे थे, खाली बहुत था, तो उनने एक नया इनोवेशन किया। राघवेंद्र बाबू आपने भी सुना होगा, जब हमने सुना तो आपने भी सुना होगा, भाई हमारे कोई प्लाट लेने तो गए नहीं कभी है, यहाँ तो प्लाट का फार्म जितने का आता उतने पैसा नहीं, प्लाट क्या लेंगे। तो उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि आप आए, मास्टर प्लान दिखा दिया, आपने नंबर रख दिया कि 16B हमको चाहिए, क्या डन, रेड स्केच पेन घुमा दिया, बोला 16B आलोक पांडे, क्या आपको बता दिया इतना पैसा ट्रेजरी में जमा, ये इसका सरकारी मूल्य और इतना मिठाई, ठीक। तो मैंने बाल सुलभ उत्सुकता में पूछा कि भाई मिठाई में कोई लोचा कर दे, अलॉटमेंट तो हो गया, तब
कोई पुराना नोट दे दे, कम नोट दे दे गड्डी में। तो उन्होंने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, हम तो सरेंडर लेटर बिना डेट वाला साइन करा के पहले रख लेते हैं, नोट भी एक कटा फटा भी आ गया तो जमीन सरेंडर कर देते तत्काल और ले जाके पुलिस चार थाने की फिजिकल कब्जा ले लेती सरकार। आलोक जी आप बताइए ऐसे इनोवेटिव आइडिया दुनिया में और कहीं आ सकते हैं क्या? एक्चुअली सर बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपकी अनुमति हो तो मैं इसे थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाऊं जी। भारत की समस्या चाणक्य के समय से है सर। चाणक्य ने एक बात कही थी राजस्व अधिकारियों के लिए कि ये समुद्र में या जल में उस मछली की तरह होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, कि वो मछली कब पानी पीती है पता ही नहीं चलता। अनिल संसारी साहब सुन लीजिए, मछली कब पानी पीती है कोई फोटो नहीं खींच पाया, लेकिन मछली पानी पीती है ये तो सबको पता है। संसारी साहब जी मैं सुन रहा हूँ, अच्छी मिसाल बताइए, क्या बात कही, वाह 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 जी। तो अब जब चाणक्य जैसा व्यक्ति परेशान रहा अपने करप्ट ऑफिसर्स, राजतंत्र होने के बाद कि जिसको जब चाहे नौकरी से निकाल दे, जब चाहे उनकी उनको मृत्युदंड दे दे, जब चाहे उनके हाथ कटवा ले, फिर भी करप्शन था। तो ये भारत की भूमि करप्शन की भूमि भी रही है, अगर भगवान राम की भी रही है तो। अंजारी साहब मछली कब पानी पीती है? इसमें एक लतीफा और सुना दूं जी। अकबर के जमाने में किसी रेवेन्यू ऑफिसर से नाराज हो गई थी सरकार, तो उसको समंदर के किनारे ये ड्यूटी लगाई गई कि कश्तियां आ रही है जा रही है उनको अकाउंट रखिए। तो अब उन्होंने सोचा कि अब ये तो कुछ कमाने पाएगा नहीं, खाली गिनती रखना है, तो चार कश्तियां या छह कश्ती। उस बंदे ने जो है उसमें हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि कितनी लहरें जो है आपकी कश्ती के आने की वजह से हुई, तो अगर लहरें ज्यादा आई है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका अंजाम ये हुआ कि उसका एक मुहावरा बन गया है कि बहुत से लोग हैं जो लहरों से, समंदर की लहरों से पैसा कमा लेते हैं। देखिए जो लोग बदमाश हैं मेंटली या साइकोलॉजिकली, उनका तो एक ही इलाज है कि उनके खिलाफ टाइम से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, अदालतें उनके पक्ष में न जाएं, गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल राजनेता हैं वो उनको सहयोग न दे। ऐसा नहीं होता कि कोई अफसर बदमाशी करे तो बिना ऊपर वाले के प्रोटेक्शन के बाहर जाए। आपकी बात इन प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन इसमें एक व्यवहारिक असुविधा आती है। चंद्रशेखर पांडे का कुछ छह जोड़ी कुर्ता और छह जोड़ी पजामा तो मिनिमम चाहिए, फिर एक गाड़ी चाहिए, उसमें ड्राइवर चाहिए, तेल चाहिए, ठीक, होटल में बैठने का चाहिए, लखनऊ आने जाने का रोला चौला रहिए, लखनऊ में रुकने कोई होटल चाहिए, लखनऊ आएंगे तो 10-20-50 हज़ार रुपया गुलदस्ता भी खर्च हो जाएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र जाएंगे जहाँ गुलदस्ता ले जाएंगे, आजकल ससुर गुलदस्ता भी 2-4 हज़ार का आ रहा, गेंदा का फूल तो चल नहीं रहा, तो इनका ये खर्चा कौन उठाएगा? और जो इनका खर्चा उठाएगा ये देवरा बाबा तो है ना कि इनका प्रसाद चढ़ाएगा आदमी जी, वो इनसे लाभ क्यों, ये सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं मांगेगा भैया? ये आपने सही बात पकड़ी है। अब आप आ गए हैं मूल प्रॉब्लम पे। मौलिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का जो प्रजातंत्र चल रहा है इसमें इलेक्शन की कीमतें बहुत बढ़ गई। एक मामूली जगह पे अगर कोई आदमी खड़ा हो एमएलए के लिए तो 2 करोड़ रुपया कम से कम उसको खर्च करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के लिए 5-6 करोड़ का खर्चा है और किसी के पास इतना पैसा आमतौर से होता नहीं, तो वो फिर व्यापारियों से पैसा लेते हैं। अब जब व्यापारियों से पैसा लेंगे तो उसी एमएलए एमपी को जब इलेक्ट हो जाएगा उस व्यापारी के लिए इलीगल काम कराने पड़ेंगे अफसरों के। तो ऑफिसर्स, व्यापारी और राजनेता, ये तीनों मिलके फिर जनता को लूटते हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जिस सरकार में विजडम हो और हिम्मत हो वो अगर करना शुरू कर दे तो इसको संभाला जा सकता है। चंद्रशेखर जी, ये जो बात अनिल संसारी साहब कह रहे हैं कि इस नेक्सस को तोड़ना होगा, सरकार राजनीतिक लोगों से हम ये उम्मीद करें कि वो इस नेक्सस को तोड़ें जो नेक्सस उनके ब्रेड एंड बटर का आधार है। क्या भाई आप सबके सीवी में लिखा है कार्य प्रोफेशन? बोले समाज सेवा। तो ये कुर्ता कहां से सिला जब काम समाज कुछ है ही नहीं? क्या ए गाड़ी लगवाओ, 4 इनोवा लग गई, 4 लड़का बैठ गए पीछे, क्या कहीं भी रोक दिया बार, चाय पकौड़ी चल रहा है, लिमका वगैरह, क्या पेमेंट तो जा रहा है ना?
तो ऐसा मूर्ख कौन है जो अपना ही जिस पेड़ पर बैठा उसी को काटने की सलाह मान ले? चंद्रशेखर जी, जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हम निश्चित रूप से हमको उस दिशा में जाना पड़ेगा जहाँ पे यूरोपियन कई यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे अभी डेनमार्क में ही हम लोग जो टेलीविजन पे चल रहा था और उसके बाद आपके चर्चाएं आई, तो कई ऐसे कंट्रीज में आप देखेंगे वहां पे लगभग 99% जो राजनेता है वो अपने अपने किसी न किसी व्यापारिक या किसी प्रोफेशनल पृष्ठभूमि से होते हैं जो राजनीति में अपने किसी महत्वाकांक्षा के लिए या अपने सम्मान के लिए या कुछ और बड़ा करने के लिए आते हैं। निश्चित रूप से वो भी कुछ गलत करते होंगे, हम नहीं कह रहे, लेकिन वो पहले अपने अपने प्रोफेशन में स्थापित हो जाते हैं। जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के सब लोगों को देखा कि वो पहले जिस लाइन में है, जो पत्रकार है वो पहले बड़ा पत्रकार स्थापित हो जाता है, जो व्यापारी है वो व्यापारी स्थापित हो जाता है, जो जो छात्र ये मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में है वो अच्छे संस्थान पहले स्थान पे आ जाता है फिर राजनीति में आता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है आदरणीय अमिताभ जी, कि हमारे यहाँ जो छात्र राजनीति में जैसे ही लड़का इंटर पास करके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आता है, वैसे ही वो बीए का लड़का यानी कि 12, 13, 5, 18 साल यानी 18-19 साल की उम्र में लड़का राजनीति में प्रवेश कर जाता है और सक्रिय राजनीति में सबसे बड़ा जो प्राइमरी स्तंभ है वो युवा छात्र है, युवा जो आ जाते हैं। तो जब आप 18 साल की व्यक्ति राजनीति में आ गया है तो वो कौन सा व्यापार करेगा, और उसका जो भी व्यापार खड़ा होगा निश्चित रूप से वो राजनीति के कारण खड़ा होगा। राजनीति में जो आदमी है बहुत हाथ दबा खर्च करे तो भी 1000 रुपया रोज तो मिनिमम है, कार्यकर्ताओं की बता रहे हैं, उतना खर्चा तो उनका भी है। आजकल तो समोसा भी 10 रुपया का मिल रहा है, चाय भी 8-10 रुपया की। क्या भैया राघवेंद्र जी, तो महीना में 30,000 हो गए हैं, और पेशा है समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण। क्या तो राष्ट्र निर्माण में तो कोई पैसा मिलता नहीं, तो ये जो 1000 रुपया ही मान ले मिनिमम, लाखों लाख लोग जो भारत में राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं वो कहां से आता है? नहीं, व्यवहारिक कठिनाई अमिताभ जी, आप ये बात को सही पक्ष कह रहे हैं जी, लेकिन अगर हम इस विषय को जमीन घोटाले के संदर्भ में कहें तो हमारी सरकार, कम से कम अपनी सरकार का मैं पक्ष रख रहा हूँ, हम लोग इस विषय को लेकर के काफी गंभीर हैं। अब निचले स्तर की हम बात नहीं करना चाहेंगे, हमारी सरकार जो है इस विषय में पिछली योगी पार्ट वन में, अभी हमारे अनिश जी कह रहे थे हम लोगों ने 2500 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए अधिकारियों के ऊपर, इसमें IAS अधिकारी भी है, IPS अधिकारी भी है, PCS अधिकारी भी है, वो बड़े बड़े अधिकारी हैं और नीचे लेखपाल से लेकर के सभी हैं। हम लोग बक्सने के मूड में नहीं है, लेकिन ये बात अमिताभ जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नशों में जहर व्याप्त है, जब तक इसकी कायदे से सफाई नहीं होगी, शुरू से लेकर A to Z तक नहीं इसकी सफाई होगी, तब तक हमें लग रहा है ये जो जहर है ये निकलने वाला नहीं है। हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अराजकता भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना हमारा पहली कर्तव्य है। हम लोग ईमानदारी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, देखें कितनी सफलता मिलती है। ठीक बात। आलोक पांडे जी, डिटॉक्सिंग कैसे होगी, जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे? सर, सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता। अब पारदर्शिता टेक्नोलॉजी के, यहाँ तो मछली बोतल नहीं बाल्टी भर भर के पानी पी रही है। देखिए, दो तरह की पारदर्शिता सर हम कह सकते हैं। पहली बात देखिए, ब्यूरोक्रेसी को अधिकार देने ही पड़ेंगे, रियल लोकतंत्र तो ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं। अब हम जानते हैं व्यक्ति है उठा टेक दिए मिनिस्टर बन गया, वो कैसे चलाएगा? ब्यूरोक्रेसी ही देश को चलाती है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकतंत्र में और जहां पर शिक्षा का स्तर है, वैसे भी लोकतंत्र में हम देखते हैं, मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि जो व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता वो स्वास्थ्य मंत्री बन गया तो कैसे चलेगा देश? तो आप समझिए, ब्यूरोक्रेसी ही नचाती है सबको। अब जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, देखिए सर, हो सकता है मेरी बात के भी काट निकल आए, लेकिन शिक्षा का, पढ़े लिखों का स्तर जितना राजनीति में बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एजुकेटेड लोग आएंगे तो कुछ हद तक कुछ कमी आए। दूसरा, समाज में बड़ा निगेटिव परिवर्तन आया है। मेरे बाबा कहा करते थे एक कहानी,
हमारी बुआ की शादी के लिए गए थे, बात हमें सुनाते थे, तो बोले लड़का रोज मेट में कंडक्टर है, 50 रुपए रोज की करप्शन है। तो बोले हम करप्शन वाले लड़के से शादी नहीं करें, बुआ की शादी नहीं की उन्होंने। अब अगर आप लोग शादी करने जाएं तो हम सैलरी पूछते है नहीं है, हम पूछते करप्शन कितना करता है। समाज ने करप्शन को स्वीकार कर लिया, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा चरण है जी। पैसा कैसे आया कोई कहते नहीं, तो कहां से डिटॉक्सिफाइड होगी सोसाइटी। ठीक बात, मुश्किल ये है जो एक घंटे की बहस से हमें समझ में आया, हर स्तंभ जो इस करप्शन में अलग अलग स्तंभ जुड़े हैं जो सबके मिलने से फिर ये करप्शन एग्जीक्यूट होता है, वो सब दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं कि भाई ये डिटॉक्सिफाई करें जी। हम तो ऑलरेडी ठीक है, वो मान के चलता है, मैं कह रहा हूँ ना सब उतनी ही भांग पिए हो और सब उतने जिम्मेदार हो, मछली सब हो, एक मछली थोड़ी ना, हर रंग की मछली है।